वेलकम टू ओली बोर्ड स्टैटिक जीके सीरीज़, जो कि बैंक और एसएससी दोनों के लिए कामगार होगी साबित। उसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे आज नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2019 के लिए जो खेल रत्न अवार्ड दिए गए हैं और जो द्रोणाचार्य अवार्ड दिए गए हैं, उनके कौन से विनर हैं और किस खेल से संबंधित हैं, वो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एसएससी के अंदर और बैंक के अंदर। तो ये सीरीज़ एसएससी और बैंक दोनों के लिए कारगर साबित होने वाली है। स्टैटिक जीके सीरीज़ के अंदर मैं आपको नेशनल पार्क्स करवाऊंगा और डैम, रिवर, जितने भी सिटीज़ हैं इंपॉर्टेंट, वो कौन सी रिवर, कौन से नदी के किनारे हैं, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसी चैनल के ऊपर। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 दिए गए वो कौन सी कमेटी थी। तो कमेटी का नाम था मुकुंदकम शर्मा कमेटी। मुकुंदकम शर्मा हेड थे, जो कि जस्टिस हैं, तो रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट से। तो उनकी कमेटी थी जिन्होंने सेलेक्ट किया कि किसको अवार्ड मिलना चाहिए किसको नहीं। तो याद रखिएगा, मुकुंदकम शर्मा जी की कमेटी थी। अब बात आती है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया। तो सबसे पहले पता होना चाहिए आपको, इसमें 7.5 लाख रुपये दिए जाते हैं, ठीक है, 7.5 लाख। अब बात करते हैं किन दो लोगों को दिया गया। दिया गया बजरंग पूनिया जी को एंड दीपा मलिक जी को। तो अब याद कैसे रखेंगे कि ये कौन से खेल से संबंधित है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है सीधा क्वेश्चन कि दीपा मलिक किस खेल से संबंधित हैं। तो आप याद रखिए, जैसे बजरंग पूनिया जी रेसलिंग से संबंधित हैं, तो बजरंग पूनिया में बजरंग दिख रहा है आपको नाम। बजरंग क्या है? बजरंग बली हनुमान जी को बोलते हैं। डिपेंड नहीं करता कि आप कौन से रिलीजन में विश्वास रखते हैं या नहीं रखते। हमें सुना, हमने सबने है कि बजरंग बली हनुमान जी को कहते हैं, ठीक है। तो बजरंग बली से दिमाग में आता है कि संजीवनी बूटी लाने गए थे वो लक्ष्मण जी के लिए, ठीक है। तो उन्होंने बीच में रेस्ट नहीं किया था, रेस्ट नहीं किया था। तो ये देखिए, रेस्ट दिख रहा है आपको नाम, रेसलिंग। तो आपके दिमाग में आएगा कि बजरंग बली ने रेस्ट नहीं किया, रेस्ट नहीं किया तो रेसलिंग। अब बात आती है दीपा मलिक जी की। दीपा मलिक जी को वैसे सब जानते हैं, लेकिन दीपा मलिक से नाम से कैसे याद रखेंगे ये देखना हो तो ये देखिए, मलिक, मलिक से मालिक नाम आ रहा है दिमाग में, ठीक है। और मालिक के हमेशा पैरों में गिरे रहना चाहिए, ठीक है, एक पॉजिटिव वे के अंदर, कि मालिक आप ही हो जो सब कुछ हो, ठीक है। तो मालिक के पैरों में पैरा से पैरा एथलीट। अब बात आती है द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड में इनाम मिलता है 5 लाख रुपए का। तो आपको पता होना चाहिए 5 लाख इसमें, 7.5 लाख उसके अंदर। अब बात करते हैं कि ये सारे किस खेल से संबंधित हैं। विमल कुमार जी, विमल कुमार जी को मिला बैडमिंटन के लिए। तो विमल नाम से आपके दिमाग में आता है विमल पान मसाला, ठीक है। तो जब भी कोई विमल पान मसाला खा के घर जाएगा तो उसे डर रहता है कि उसके घर वालों को पता ना चल जाए, तो इसलिए वो क्या करेगा, मिंट चबा लेगा, मिंट की कोई टॉफ़ी चबा लेगा कि घर वालों को पता ना चले। तो मिंट से बैडमिंटन दिमाग में आएगा आपके, विमल पान मसाला ही आता है ना विमल नाम लेते ही दिमाग में। अब बात आती है महेंद्र सिंह ढिल्लों। महेंद्र सिंह ढिल्लों एथलीट हैं। तो एथलीट कैसे साउंड कर रहा है, लेट का, ठीक है, लेट, ठीक है। तो जो ढीले ढाले होते हैं, ढीले ढाले होते हैं, वो हमेशा लेट ही पहुंचते हैं किसी जगह। लेट मैं बात कर रहा हूँ टाइम में जो लेट होता है उनके बारे में। तो जो ढिल्लों नाम से आपके दिमाग में आएगा ढिल्ले, ठीक है। और जो ढीले ढाले लोग होते हैं वो हमेशा लेट पहुंचते हैं जहाँ पे भी उन्हें बुलाया जाता है। तो याद रह जाएगा आपको, और मैं प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा आपको, अभी देखिएगा आपको याद रहते हैं कि नहीं या सिर्फ आपको लुभाया जा रहा है, वो अभी मैं दिखा दूंगा आपको, ट्राई करेंगे हम। मर्जबान पटेल, मर्जबान पटेल हॉकी खेलते हैं, ठीक है। तो अब याद कैसे रखेंगे इसको कि मर्जबान को, मर्ज से मर्जी दिमाग में आता है कि जिसके पास की होती है, चाबी होती है, वो अपनी मर्जी चलाता है। जैसे सास बहू के अंदर सास के पास चाबी होती है तो वो अपनी मर्जी चलाती है, जैसे कि हमने नाटक के अंदर देखा हुआ है। अब बात आती है रामवीर सिंह खोकर। खोकर, इस खोकर की बात चल रही है, कोई चीज़ जब खोकर हम आते हैं, ठीक है, तो हम, किसी ने कहा कि उस वो उदास कैसे लग रहा है, वो गंभीर कैसे है, रामवीर से गंभीर, वो गंभीर कैसे है, कोई बड़ी चीज़ खोकर आया लगता है, ठीक है। कबड्डी में बड़ी चीज़, बड़ी नाम दिख रहा है आपको, बड़ी चीज़ खोकर आया लगता है, गंभीर कैसे है। अब बात आती है संजय भारद्वाज जी की। संजय भारद्वाज जी क्रिकेट खेलते हैं, तो आवाज़ लगाओ क्रिकेट और सब हाजिर हो जाएंगे, ठीक है। तो आवाज़ लगाओ क्रिकेट और सब हाजिर हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि क्रिकेट का सबको चाव होता है, सबको पसंद होती है क्रिकेट, तो आवाज़ लगाओ और सब आ जाएंगे क्रिकेट के लिए।
लास्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप बताइएगा इसकी ट्रिक क्या है, ठीक है? अगर आप नहीं बता पाए तो मैं आपको कमेंट करके बताऊंगा कि इसकी ट्रिक क्या है। अब बात करते हैं कि जो हमने किया क्या वो रियलिटी में काम आएगा कि नहीं आएगा, देखते हैं, प्रैक्टिस सेट करते हैं अभी। बजरंग पूनिया, बजरंग पूनिया से दिमाग में क्या आता है? बजरंग बली, बजरंग बली ने कभी रेस्ट नहीं किया तो रेस्ट आता है रेसलिंग के अंदर, ठीक है? दीपा मलिक, मलिक मालिक, मालिक के हमेशा पैरों में गिरे रहना चाहिए, पैरा एथलीट। नेक्स्ट विमल, विमल से पान मसाला और मिंट खा के जाना चाहिए, मतलब खा के जाते हैं लोग घर पे, ठीक है? तो बैडमिंटन, ऐसा मैंने दोस्तों को देखा हुआ है। मोहिंदर सिंह ढिल्लों, ढिल्लों से ढीला, ढीला ढाला आदमी क्या करेगा, वो लेट पहुंचेगा, तो एथलीट। मर्जवान पटेल, मर्जी कौन चलाएगा, जिसके पास की होगी, की से तो हॉकी ही बनता है। गंभीर क्यों है, कोई बड़ी चीज खो कर आया लगता है, बड़ी चीज से कबड्डी। संजय भारद्वाज, संजय भारद्वाज आवाज लगाओ और क्रिकेट के लिए सब हाजिर हो जाएंगे। और ये आप बताइएगा, चलो आंसर तो मैं बता देता हूँ, टेबल टेनिस है। डीप से याद रख सकते हैं आप कोई चीज़ गहरी, ठीक है, या सैंड मिट्टी से। ट्रिक हमेशा खुद बनाने की कोशिश कीजिए, तभी मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है? अब आपको पता होगा कि हमने ग्रुप बनाया हुआ है एक्सक्लूसिव, ओली बोर्ड इज़ द न्यू ब्लैक, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम के अंदर सर्च कीजिए ओली बोर्ड इज़ द न्यू ब्लैक, वहाँ पर आपको ग्रुप मिलेगा और बिल्कुल फ्री है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैंक SSC सभी स्टूडेंट्स उसके अंदर जुड़े हुए हैं, और जितने भी नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी मेरी वो सारी मैं इस चैनल के ऊपर डालूंगा। सारी स्टैटिक जीके ट्रिक्स आपको सिर्फ इसी चैनल के ऊपर मिलेगी। अगर आपकी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव जो मर्जी आपकी फीडबैक हो, वो आप कमेंट के अंदर दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सीरियस दोस्तों के साथ, और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जितने भी ट्रिक्स की आएँ वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच।